इधर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हारी और उधर विराट कोहली को गाली मिलनी शुरू हो गई उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनके फेसबुक अकाउंट पर, और लोग उनको ट्रोल करने पहुंचने लगे। वहीं कुछ लोगों ने एक बार फिर से इस मामले में अनुष्का शर्मा को ले आए और किसी ने तो ये तक कमेंट कर दिया कि BCCI ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल को फैमिली टूर बना दिया था, खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ गए थे और इसको पिकनिक समझ बैठे। जाहिर सी बात है, ये कोई पहली बार तो है नहीं। जब भी टीम कोई क्रूशियल टूर्नामेंट हारती है या किसी टूर पर जाकर बुरी तरह हारती है तो इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब विराट कोहली कप्तान है तो विराट कोहली तो सबसे पहले निशाने पर आएंगे। तो कुछ लोग अब ट्विटर पर अपना अपना मन की बात कह रहे हैं ट्विटर पर, और कोई लिख रहा है कि जब पता है विराट कोहली की कप्तानी में ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाती टीम इंडिया, तो और कितनी बार विराट कोहली को ICC टूर्नामेंट में कप्तानी देकर टेस्ट किया जाएगा। 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी में भी विराट कोहली कप्तान थे, 2019 के वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली कप्तान थे, और अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी है इसमें भी वही कप्तान है, और T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तान होंगे विराट कोहली। और ऐसा लगता है कि T20 वर्ल्ड कप भी भारत नहीं जीत पाएगा, और विराट कोहली लगातार 4 ICC टूर्नामेंट में कप्तानी कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप तक। और क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि यकीनन विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के अच्छे कप्तान हैं, दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी भी फेल हो जाती है, उनकी बल्लेबाजी भी बड़े मैचों में फेल हो रही है। अगर पिछले 2-3 बड़े मैच देखें टीम इंडिया के, खासकर कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी भी कमाल नहीं दिखा पाती। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अगर लिमिटेड ओवर में तो वक्त आ गया है कि विराट कोहली से अलग हटके किसी और को कप्तानी दी जाए, क्योंकि विराट कोहली मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ही नहीं है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया कोई ICC टूर्नामेंट जीतेगी। अब जाहिर सी बात है, टीम इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, जितने पैशनेट तरीके से वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं उतने ही पैशनेटली वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और क्रिटिसिज्म में इंडियन क्रिकेट फैंस कभी भी पीछे नहीं रहते। और ये कहना गलत नहीं होगा, पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म में सबसे आगे इंडियन क्रिकेट फैंस होते हैं, और फाइन लाइन को भी क्रॉस कर जाते हैं क्रिटिसिज्म की, किसी को पर्सनल कमेंट भेज देते हैं तो किसी को गाली लिख के भेज देते हैं। यही इन कुछ क्रिकेट फैंस ने काइल जेमिसन के साथ किया, जब विराट कोहली को जेमिसन ने आउट किया तो उनके पोस्ट पर गाली बकने लगे कि तुम्हारा IPL कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराट कोहली को आउट करने की। और यकीनन इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है, इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इनके कमेंट पढ़ने लगे जिसको ये कर रहे हैं, ये उसको सिर्फ और सिर्फ मेंटली हरास करते हैं, सपोर्ट तो नहीं कर रहे इस तरह के कमेंट से। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।